आज एक बड़ी अहमियत रखने वाले टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। बोर्ड पे देखें 25 टिपिकल सेंटेंसेस। आज हम 25, जिसे इंग्लिश में 25 कहते हैं, सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस होंगे, जिन्हें हम अक्सर अपने लेन देन, अपने बातचीत या अपने मिलने के समय बोलते हैं। एक 25 सेंटेंसेस जिन्हें हम अच्छे से तैयार कर लें, तो रेडीमेड सेंटेंसेस की तरह से हमारे पास बोलने का एक बेहतर तरीका होगा। तो हम शुरू करते हैं 25 टिपिकल सेंटेंसेस जिन्हें हमें अपने डे टू डे लाइफ में बोलना है। अक्सर ये सेंटेंसेस जो हम आपको दे रहे हैं, बार बार बोलें और इन्हें उनके मौके पे बोलें, फिर देखें आपकी वजूद, आपकी इंपॉर्टेंस और आपका इंपैक्ट दूसरों पे कितना अच्छा पड़ता है। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। ये सवाल हमें पूछना होगा जब हम किसी अनजान इंसान से मिलते हैं, तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। इट मींस सर, आपका शुभ नाम क्या है। सर, आपका शुभ नाम क्या है। पीछे सवाल मैंने पूछा था आपसे, व्हाट इज योर गुड नेम। आप जवाब में बोल सकते हैं, माय नेम इज नियाजुद्दीन, माय नेम इज टॉम्स, माय नेम इज जैक, यानी कि जो आपका नाम होगा वो बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, हम अपने निजी कामों में किसी की मदद चाहते हैं, किसी का फेवर चाहते हैं, तो ये पूछेंगे, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे या क्या आप मेरा काम कर सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलना होगा, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर। सर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे काम कर सकते हैं। पीछे आपने सवाल सीखा, सर कैन यू डू मी अ फेवर। अगर वो बंदा जिसे आपने पूछा था जवाब देने के मिजाज में है, तो बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, यस ऑफ कोर्स, ओके यस प्लीज। और नहीं करने वाला होगा बोलता, सॉरी सॉरी आई कांट, सॉरी सॉरी सर आई कांट, ऐसे बोल सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, मेरे उससे बनते नहीं है। हम एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ आइडिया देना चाहता है कि क्या किसी तीसरे इंसान से उसकी कुछ खास तालमेल है या नहीं, तो आपने जवाब में कह दिया, सॉरी सर मेरे उससे बनती नहीं है। अब उससे हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो। अगर हम बात लड़के की करें, तो देखें मैंने लिखा है विद हिम, और लड़की होगी तो विद हर, यानी कि फीमेल के लिए हर लगा देंगे और मेल के लिए हिम लगा देंगे। इसकी अंग्रेजी बनाए, मेरे उससे बनती नहीं है, तो बोलेंगे आई एम नॉट ऑन गुड टर्म विद हिम और विद हर, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म विद हिम और हर। फोर्थ एग्जाम्पल, आज कौन सा दिन है। हमें अक्सर डे भूल जाते हैं, तो हमें पूछना पड़ता है, सर आज कौन सा दिन है, हेलो आज कौन सा दिन है। तो आपको बोलना होगा व्हाट इज द डे टुडे, व्हाट इज द डे टुडे। और अगर आप जवाब देना चाहते हैं, बोलते हैं टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। फाइव, इससे काम नहीं चल पाएगा। हमें कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, कोई सामान मिलता है, कोई चीज होती है, हमने उस पर एतराज जताई और क्या कही, सर इससे काम नहीं चल पाएगा। तो आप बोलिए इट विल नॉट डू, इट विल नॉट डू, या बोल सकते हैं इट विल नॉट सर्व।
एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो हमने ऊपर हेडिंग करी है 25 टिपिकल सेंटेंसेस में छठवां सवाल, मुझे घर की याद सताती है। कभी हम हॉस्टल में रहते हैं, कभी हम विदेश यात्रा पे होते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, हमें घर की याद सताती है। कभी हमें घर की याद तो बोल सकते हैं सर मुझे घर की याद सताती है, तो इंग्लिश बोलेंगे आई एम होमसिक। नेक्स्ट सेवन, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हमारे सर्कल में हमारे फ्रेंड्स में कुछ ऐसी बात आती है जिससे उसमें थोड़ी सी टेंस हो जाता है, तो आप उसे तसल्ली दिलाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं दोस्त तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। तो आप इंग्लिश बोलेंगे यू नीड नॉट वरी एट ऑल। एग्जाम्पल नंबर आठ, दोस्त वही जो समय पे काम आए। आजकल हमारे पास ऐसे भी दोस्त हैं जब तक हम उनके ऊपर खर्च करेंगे वो हमारे दोस्त हैं, और हमारे बुरे दिनों में बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। इसी को विलियम शेक्सपियर ने कहा है, फ्रेंड्स आर लाइक वाइंड, दोस्त हवाओं के तरह से हैं, जहां देखो वही दोस्त मिल जाएंगे। बट ट्रू फ्रेंड्स आर रेयर टू फाइंड, लेकिन सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है। तो आइए देखते हैं, दोस्त वही जो समय पर काम आए। आपकी आवश्यकता में कोई खड़ा है तो आपका सच्चा दोस्त है, तो बोलेंगे अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। ध्यान दें, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, सच्चा दोस्त वही जो समय पे काम आए। नौवां एग्जांपल, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जिन चीजों की हम जरूरत महसूस करते हैं उसका आविष्कार होता है। इंग्लिश में बोलेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बोलेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और साथ ही साथ दसवां भी एग्जाम्पल देख ली, निर्धनता मित्रता की कसौटी है, अर्थात गरीबी हमारे दोस्तों की पहचान कराती है। अगर हम मुश्किल हालात में हैं तो हमारे दोस्त टेस्ट हो सकते हैं वो हमारे हैं या नहीं है, तो बोलेंगे पावर्टी टेस्ट फ्रेंड्स, पावर्टी टेस्ट फ्रेंड्स। ग्यारहवां एग्जाम्पल, चिंता करने से क्या होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी फैमिली में कभी कुछ ऐसे वैसे हो जाते हैं हालात, तो हमें सांत्वना देने के लिए बोलना पड़ता है बेटा चिंता करने से क्या होता है। तो आप बोलेंगे worry does not solve matters, चिंता करने से कोई मामला थोड़ी हल होता है। एंड द नेक्स्ट, मुझे मालूम नहीं कि सब किस प्रकार हो गया, कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं हम साथ में रह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरों को तसल्ली के लिए बोल सकते हैं कि सर मुझे मालूम नहीं सब किस प्रकार हो गया, इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। बोलते हैं I don't know how it all happened. तेरा एग्जाम्पल, तुम्हें किसकी हवा लगी है। कभी कभी हमारे दोस्त हमारे लोग हमारे फैमिली मेंबर्स बहकी बहकी से बातें करते हैं, तो हमें ये पूछना होता है भाई तुम्हें हवा लगी किसकी है, किसकी हवा लगी है तुम्हें। तो आप बोलेंगे whose influence are you under, तुम जरूर किसी के प्रभाव में आ गए हो, whose influence are you under। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप मुझे कल फोन कर लीजिएगा। हमारे जानने वालों में से या हम जिनके काम करते हैं कोई हमारे क्लाइंट्स हैं, लगता है कि आज हम खाली नहीं है, तो बोलते हैं सर आप मुझे कल फोन कर लीजिएगा मॉर्निंग में। तो आपको बोला प्लीज रिंग मी अप टुमारो। एग्जाम्पल नंबर 15, काम को काम सिखाता है। आप काम करते जाइए आप ऑटोमेटिक उसके मास्टर हो जाएंगे। तो बोलना हो काम को काम सिखाता है तो बोलेंगे वर्क टीचेस हाउ टू वर्क। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे देर हो रही है। अक्सर कभी क्लास में कभी सर्कल में हम बैठे हैं और हम बार बार वॉच देखते रहते हैं, तो वॉच बार बार देखने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक बार खड़े एक्सक्यूज मी मुझे देर हो रही है। तो बोलेंगे I am getting late, sir. 17, देरी होने के लिए क्षमा चाहता हूं। कभी कभी हम क्लास में
लेट से पहुंचते हैं और टीचर्स की नजर सीधे हम पे होती है तो फट से हमारे मुंह से सॉरी निकलना चाहिए। यानी कि अगर हिंदी बोला हूं कि सर देरी होने के लिए क्षमा चाहता हूं तो बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। और नेक्स्ट एग्जांपल है अवसर मत गमाओ। हमारे फैमिली में कभी हमें जॉब के चांसेस मिलते हैं पर इनकम उनकी सैलरी छोटी होती है तो कुछ लोग सोचता है कि नहीं यार हम दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं तो बड़े समझाते हैं कि बेटा अवसर मत गवाओ। तो आप बोल सकते हैं डोंट मिस द चांस, बोलेंगे डोंट मिस द चांस। 19 भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, ये अटूट सच्चाई है, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, गॉड ने जो अलॉट कर दिया है वो होके रहेगा। तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं व्हाट इज लॉटेड, लॉट मिस भाग्य, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट, साथ में छोटी सी ग्रामर भी सीख लें, कैन नॉट, ये ऐसी सहायक क्रिया है जिनको एक ही साथ लिखना है, बाकी सारे सहायक क्रिया अलग लिख सकते हैं, डू नॉट अलग अलग, विल नॉट अलग अलग, लेकिन कैन के साथ नॉट चिपका रहेगा। तो बोलेंगे व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपनी बात का पक्का हूं, कभी कभी हमें अश्योर करना होता है, किसी को अश्योर करना होता है उसे अपने कॉन्फिडेंस मिलने तो बोल सकते हैं सर मैं अपने बात का पक्का, जो कह दिया सो कह दिया। तो बोलेंगे आई एम द मैन ऑफ वर्ड, आई एम द मैन ऑफ वर्ड। 21, 25 टिपिकल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल नंबर 21, आओ चलते हैं। कभी हम ग्रुप में होते हैं, वर्क इज ओवर, काम खत्म हो गई, तुम बोलते हैं चलो चलते हैं भाई, आओ चलते हैं, बोलेंगे लेट्स गो या फिर लेट्स मूव। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल जाएं, कभी किसी हॉस्पिटल में जाएं, बैंक में जाएं या किसी भी प्राइवेट ऑफिस को विजिट करते हैं तो कोई एम्प्लॉय मिलेगा जो आपसे ऐसे बोलते हुए नजर आएगा सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू या सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। 23rd, 24 and 25, all these three sentences all together हम ले लेते हैं। Example देखें, तुम्हारे पिछले पहिए में हवा कम है, अक्सर हम बाइक की या कार की सवारी करते हैं, हम दो तीन चार बैठ के साथ में निकलते हैं तब तक किसी ने नोटिस करेगा ओ माई गॉड तुम्हारे पिछले पहिए में तो हवा कम है भाई, तो आपको बोलना होगा योर बैक व्हील, या बोल सकते हैं योर रियर व्हील नीड पंपिंग, योर रियर व्हील नीड पंपिंग। नेक्स्ट, केवल ईश्वर जानता है मेरे भाग्य में लिखा क्या है, कुछ दुश्वारियां हम फेस कर रहे हैं तो बोल सकते हैं केवल मेरा ईश्वर ही जानता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ओनली गॉड नोज व्हाट इज रिटन इन माय फेट, ओनली गॉड नोज व्हाट इज रिटन इन माय फेट। एंड द लास्ट 25 टिपिकल सेंटेंसेस का आखिर एग्जांपल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आप बोल सकते हैं दोस्त एज यू सो सो शैल यू रीप, ध्यान देंगे एज यू सो So, shall you reap, जैसा करोगे वैसा करोगे। तो दोस्तों ये 25 examples हो गए typical sentences के, इन्हें अपने day to day life में बोले और बेहतर impact बनाइए। So, wish you all the best, good luck.